खुद के साइड। भैरवा, फाइस्टा बाउंटी, लेट्स गो। हाय। हाय। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एंट्री विद एंटरटेनमेंट में। तो जहां कहीं भी है आप लोग दिल थाम के बैठ जाइए, क्योंकि आसमान छूती उम्मीदें और बेमिसाल क्रेज के बाद आखिरकार प्रभास के फैंस और फिल्म प्रेमियों के लिए इंतजार की घड़ी खत्म हुई। जी हां, कल की 2898 एडी के डायरेक्टर वैजयंती मूवीज बैनर ने कल शाम 7 बजे थिएटर में ट्रेलर लॉन्च कर दिया है। न केवल प्रभास के फैंस या ऑडियंस, बल्कि पूरा फिल्म इंडस्ट्रीज, बड़े बड़े सितारे, एक्टर एंड टेक्नीशियन टीम, जो 600 करोड़ रुपए के बजट के साथ बड़े पैमाने पर बनाई गई है, इस फिल्म के बड़े खुलासे का इंतजार कर रहे थे। खैर, ट्रेलर में इस बात का संकेत मिलता है कि फिल्म से खतरनाक उम्मीद की जा सकती है। जब मैं फिल्म का ट्रेलर देख रहा था तो भाई मैं बता नहीं सकता, ट्रेलर से पहले मेरी एक्सपेक्टेशन फिल्म से जो थी, ट्रेलर के बाद अब वह 600 करोड़ गुना बढ़ गया है भाई, सीरियसली। दोस्तों, अब बात करता हूँ ट्रेलर में क्या क्या दिखाया गया है। तो दोस्तों, ये कहानी है काशी शहर की, जो कि दुनिया का एकमात्र आखिरी शहर बचा है। काशी में लोग भोजन और पानी जैसी जरूरतों के लिए संघर्ष कर रहे हैं, जहां एक रूलिंग कॉम्प्लेक्स रूल कर रहा है और हर चीज को नियंत्रित करता है। इस बीच अमिताभ बच्चन, जो कि अश्वत्थामा का रोल निभाए हैं, वह दुनिया की किस्मत बदलने के लिए 600 साल पहले अपनी खोई हुई शक्ति को फिर से जीवित करना चाहते हैं। अब वहाँ एक गर्भवती महिला दीपिका पादुकोण आती है, जो कि एक खास को जन्म देने वाली है, और अश्वत्थामा उसकी रक्षा कर रहा है, क्योंकि यही वह बच्चा है जो दुनिया को बदल सकता है। लेकिन जो रूलिंग कॉम्प्लेक्स के लोग हैं, वह दीपिका पादुकोण को ढूंढ रहे हैं और भैरव दीपिका को वहाँ ले जाने का फैसला करता है, जिससे अश्वत्थामा और भैरव के बीच दरार पैदा हो जाता है। कहानी में कमल हसन दुष्ट खलनायक की भूमिका निभाते हैं। भाई, मुझे सबसे शॉकिंग और बेस्ट पार्ट जो लगा ना, वो है कमल हसन का अनएक्सपेक्टेड रियली एट द एंड। डरो मत, एक नया युग आ रहा है। मैं सल्यूट करना चाहूंगा नाग अश्विन को, क्या कमाल का VFX डाले हैं। उसका एक एक दृश्य आश्चर्यजनक और मन को झंझोर देने वाला है भाई, रियली में। इफेक्टिव VFX फिल्म को और भी बेहतरीन बना देता है। अच्छा, एक बात, यह बात तो है कि ट्रेलर में सभी कलाकारों को अच्छा अवसर दिया गया है, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा अमिताभ बच्चन की है। बहुत लंबे समय के बाद हम बिग बी को एक्शन रोल में देख पा रहे हैं, और यह फिल्म उनके फैंस के लिए एक ट्रीट होगा। यहाँ तक कि प्रभास और दीपिका अपनी छाप छोड़ते हैं, और भाई हम शर्त लगाते हैं कि पहली बार ट्रेलर देखने पर आप लोग कमल हसन को पहचान नहीं पाएंगे। एंड हाँ, दिशा पाटनी ट्रेलर में बहुत कम नजर आई है। दोस्तों, आखिरी में मैं यही कहूंगा कि डायरेक्टर ने एक बहुत ही दिलचस्प ट्रेलर रिलीज किया है, जो हमें बांधे रखता है और हमें और आगे क्या होगा वह देखने की अंदर से चाहत पैदा करता है। तो अब इंतजार है 27 जून का, भाई बवाल होने वाला है। तो कौन कौन उत्साहित है फिल्म देखने के लिए, नीचे कमेंट में जरूर बताइए, और तब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखें, एंड प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसे ही मजेदार रिव्यू के लिए। धन्यवाद।